प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। बहुत लोगों का जान माल का नुकसान भी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए तुरंत प्रभाव से सरकार को गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी घोषित करनी चाहिए, क्योंकि अभी पानी खेतों में पड़ा हुआ है और जो छोटा काश्तकार है उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी प्रशासन से अनुरोध किया है, सरकार को मैं आवेदन कर रहा हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान काश्तकार जो कम से कम खासकर जो छोटे किसान हैं उनकी मदद के लिए तुरंत प्रभाव से उनको धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। अगर हमें मदद भी करनी है और वो बहुत देर बाद मदद किसान तक पहुँचे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो हालात बने हैं ये कोई पहली बार नहीं हुए, अक्सर खेतों में खराबा होता है पानी भरने से, तो उसका समाधान करने के लिए एक सरल और एक छोटी प्रक्रिया सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन स्पेशल गिरदावरी तुरंत ऑर्डर करें और टोंक जिले में खासकर जहां मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वहां पर उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए। पशुओं की जाने गई हैं, गाय भैंस पे लोगों की मरी हैं, लोगों के मकान में दीवारें गिरी हैं, छतें गिरी हैं, काफ़ी क्षति हुई है लोगों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। शहर में पानी भरा है लेकिन हर व्यक्ति हर इलाके में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जितना हो सके सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय ही सरकार और शासन को अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए और आगे आके मदद करनी चाहिए। अब विनम्रता से बात की है कि जो आपदा राहत का डिपार्टमेंट है अब वो चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन चला रहा है, ये भी बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है सामने। तो सरकार को मुझे लगता है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ तत्परता से सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और विशेष रूप से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका खाद लगा है, बीज लगा है, उसने पानी बिजली को खर्चा किया है उसकी मदद के लिए जितना ज़्यादा हो सके सरकार को मदद करनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार को भी बढ़ चढ़ कर आगे आके लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए। भाई दौरों से तो समाधान निकलता नहीं है, समाधान निकलता है जब नीति निर्माण करें और तुरंत प्रभाव से जो धरास्थल पर जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं वो खेतों में जाएं, गांव में जाएं, लोगों से मिलें, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करें। और आजकल डिजिटल ज़माना है, आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। अगर सरकार मन बना ले कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी है, हमें किसान की मदद करनी है, तो तुरंत प्रभाव से अधिकतम धनराशि लोगों तक बहुत जल्द पहुँच सकती है, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। अभी लाल फीताशाही में या अफसरशाही में अगर सारी मदद फंस जाएगी तो मदद समय पर नहीं मिलती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए तुरंत प्रभाव से मदद लोगों को मिलनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। देखिए हाल ही में उदयपुर में जिस तरह से कल जो हिंसा हुई है उसको लेकर किस तरह से, मैं तो कल भी कहा कि हम सब ने अपील करी है कि शांति बनाए रहनी चाहिए और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सरकार को चाहिए कि सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करें। अगर कहीं विवाद पैदा हुआ था उसको समझाइश करके बिठाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से किसी का भला नहीं होता, ना समाज का ना प्रदेश का। तो लोगों को अमन चैन बनाए रखना चाहिए और ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो ताकतें हैं, ऐसी जो सोच है लोगों में जो विभाजन पैदा करती है, लोगों में टकराव पैदा करती है, उन सब लोगों से दूर रहने की हम सबको ज़रूरत है। देश के कई राज्यों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले को लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या मानते हैं शेख हसीना को पनाह देना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है इस वजह से बांग्लादेश? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश या प्रदेश जहाँ पर भी कहीं हिंसा होती है उसके समर्थन में कोई नहीं हो सकता। किसी भी राज्य में, किसी राष्ट्र में अगर हिंसा होती है, लोगों की जान माल का नुकसान होता है, तो मानवता के खिलाफ है। सब लोगों को शांति और अमन की कामना करनी चाहिए और भारत सरकार को भी मुझे लगता है कि दबाव बनाकर खासकर जिन अल्पसंख्यकों पर अटैक किया जा रहा है बांग्लादेश में उसको रोकने के लिए हर संभव काम करना चाहिए। हरियाणा और कश्मीर से कई राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान के चुनाव भी होने, किस तरह के चुनाव की ये जो सरकार बोलती थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो चार राज्यों का चुनाव साथ नहीं करा सकती है या कराना नहीं चाहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे उपचुनाव बाकी थे, वायनाड का लोकसभा का चुनाव बाकी था, तो न जाने किन कारणों से निर्वाचन आयोग ने सभी चुनाव की घोषणा नहीं करी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हरियाणा के लोगों की जो मुसीबत थी उसका निजात पाने का उन्होंने उपाय ढूंढ लिया, चुनाव की घोषणा हो गई, 1 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे प्रचंड बहुमत से, 3/4 बहुमत से हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। और जम्मू कश्मीर में जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, 10 साल के बाद चुनाव होंगे, वहाँ पर भी हमारा इंडिया अलायंस बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन सरकार ने क्या चर्चाएं करी कि जो चुनाव आमतौर पर साथ होते थे 3-4-5 राज्यों के, वो करा नहीं पा रहे हैं। सरकार बोलती है कि हम तो गांव के शहर के सारे चुनाव इकट्ठे कराएंगे, प्रदेश सरकार बोलती है, केंद्र सरकार बोलती है, पूरे देश में एक कमेटी बनी है, वो कमेटी अध्ययन करी कैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो। आप जब 3-4 राज्यों के जो ज़रूरी है, जो कानून से बाध्यता है आपकी, समय सीमा आपके पास है, फिर भी आप जानबूझ के नहीं करा रहे हैं, तो ये तो बड़ा उनको आत्मचिंतन करने का विषय है सरकार को। राज्य जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं आपने आज दौरा किया, कब तक मदद किसानों को? मैं तो चाहता हूँ जल्दी पहुँचनी चाहिए थी,
और प्रशासन को, सरकार को, मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ कि जो लोग आज दिक्कत और परेशानी, अनेकों लोगों ने मुझसे मुलाकात की, आवेदन दिए हैं, किसी का घर, किसी का मकान, किसी का पशुधन, सबको हानि पहुंची है, तो सब लोगों को जितना संभव होगी हम लोग सहायता पहुंचाएंगे। आपदा मंत्री को लेकर क्या कहेंगे कि कौन है, क्या है आपदा, राजस्थान में आपदा है और आपके मंत्री को क्या पता नहीं? अब ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन ये जिम्मेदारी सामूहिक होती है सरकार की। अब मैं किसी विभाग के बारे में क्या बात करूं, लेकिन आपदा आई है तो आपदा के समय में प्रशासन को, विभाग को, मंत्रिमंडल को, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और ये जो अनिश्चितता है इसको ख़त्म करके लोगों के मन में स्पष्टता होनी चाहिए कि विभाग कौन चला रहा है, कौन काम देख रहा है, कैसे काम हो रहा है। ये जो कन्फ्यूजन है इससे किसी को लाभ नहीं होता।